डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इन द प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू द पोएम अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू 12 स्टेंजर्स। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू 12 स्टेंजर्स। I am continuing the 13th stanza today. 13th stanza starts from now you shall dot 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 die. What is ये difficult words होते हैं, इनको लिख लेंगे आसान रहता है। Then up she went through the chimney. यहाँ पर contest में the poet has described here when the saint became angry at the rude behavior of at the greedy behavior of the lady who did not give him any cake. तो जब उसको बहुत ये कर्ज दे दिया, साप दे दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, then up she went through the chimney. उसके बाद वो ऊपर चिमनी से होकर के नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे हुए बाहर निकली। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर फॉर सी वॉज चेंज टू ए बर्ड। और उस चिमनी के ऊपरी सिरे से होकर के वह एक वुड पैकर, जिसको कि कठफोड़वा कहते हैं, मतलब काठ मजबूत हार्ड वुड होती है, उसमें वो चोंच से होल कर कर के उससे अपने भोजन को प्राप्त करती, बहुत लिटिल क्वांटिटी में। फार सीवा जो एक चिड़िया ऐसी बन गई जिसे कठफोड़वा कहते हैं। नेक्स्ट 15 स्टेंजा, सी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। उस चिड़िया के सिर पर एक लाल रंग की जो है छोटी जैसी होती है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वह कठफोड़वे की तरह है। वो चूँकि उसकी टोपी पहने रहती थी, कठफोड़वे के सिर पर उसी तरह की वो चोटी बन गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लाथेज वर बर्नड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। लेकिन अन्य जो कपड़े वो पहने हुए थी तो वह आग की लौ में, लपट में कोयले की तरह जलकर काली हो गई। फ्लेम मीन्स लपट, ज्वाला, ए हॉट ग्लोइंग बॉडी ऑफ फ्लेम फायर। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टंजा, एंड एवरी कंट्री एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय है सीन हर इन बोर्ड। लगभग हर देश के या हर ग्रामीण अंचल के लड़कों ने, स्कूल बॉय मीन्स विद्यार्थियों ने, लड़कों ने, स्कूल सभी लड़कों ने, है सीन हर इन द बोर्ड, उसे जंगल में देखा है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वो पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, आज तक वो रहती है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और थोड़ी 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 मात्रा में वो भोजन को प्राप्त करने के लिए कठोर और सूखी लकड़ी में चोंच मार मार करके उसे भोजन कलेक्ट करना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पोएम को पढ़ाने के बाद में हमें यही सीख मिलती है, वी गेट द मैसेज फ्रॉम दिस पोएम दैट वी शुड नॉट have any kind of greed, because greediness is an evil, जिसको कहते हैं लालच बुरी बला होती है, उसमें व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही कष्ट में डालता है। जैसा एक रोटी देने में, एक केक देने में उसे आशीर्वाद भी मिलता उस लेडी को, और उसे ऐसी मुसीबत का दिन न देखना पड़ता। तो फिर विद्यार्थियों, वी शुड ऑल्सो protect ourselves from the evil of greed.
Thank you. We will meet with some important question answers in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.